जो मेरे होस्ट है सीएस होस्ट वो आ चुके हैं मेरे को लेने के लिए। सलामत दतांग। वहां पे भी ये पुल पार करके उस बीच पे भी जाओ। हियर इज मिल्क ओके बट इन इंडिया वी कॉल सुसु मींस टॉयलेट। रियली गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू पंकु वर्ल्ड। अभी हम है जावा आइलैंड सुराबाया सिटी और ये है टर्मिनल बुंगुरु सिहा। पिछला वीडियो आपने देखा कि हम बाली में थे, बाली से हमने ट्रेवल किया सुराबाया, कैसे किया क्या वो अगर नहीं देखा तो जरूर आप जाइए पिछला वीडियो देखिए, बाली सीरीज का आखिरी वीडियो। और अभी ये है जावा सीरीज और इस सीरीज में भैया हम आपको ले चलेंगे इंडोनेशिया के ऐसे पार्ट में, ऐसी सिटीज़ में जहां अभी तक तो कोई इंडियन यूट्यूबर नहीं गया है। कैसे यहां के लोग हैं, कैसी यहां की जगह है, कौन कौन सी यहां पर फेमस प्लेसेज है, तो सब कुछ दिखाएंगे। बिल्कुल एक अलग इंडोनेशिया, एक नया इंडोनेशिया आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्मली इंडियन यूट्यूबर यहाँ पर नहीं आया, इसलिए मेरे हिसाब से आपने देखा नहीं अभी तक। बाली जकार्ता वगैरह में ही ज़्यादातर आता है। तो अभी टर्मिनल से जस्ट मैं बाहर निकल के खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ पे मेरे काउसर पर होस्ट है, वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। बहुत बड़ा टर्मिनल है यार ये तो, बस सबसे बड़ा टर्मिनल है मतलब यहाँ का, ये सुराबाया का। और ये है भाई मस्जिद बुंगुरु सिहा। और जावा आइलैंड में आपको मस्जिद बहुत सारी देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मेजॉरिटी है 90% मुस्लिम लोग रहते हैं और बाकी 10% में सारे क्रिश्चियन हिंदू और बौद्ध वगैरह वो सारे आते हैं। लेकिन जहाँ बाली में क्या था, बाली में 90% मुस्लिम हिंदू वगैरह थे तो वहाँ पे मस्जिद वगैरह कम देखने को मिलती थी क्योंकि मुस्लिम कम थे वहाँ पे। तो ये फ़र्क है बाली में और यहाँ में, मकान में भी बहुत फ़र्क है यार। मैंने देखा है वहाँ के जो मकान होते थे हिंदू वाले, भाई हर मतलब मकान के अंदर एक टेम्पल बना रखा है और यहाँ पे जो मकान है वो अलग बनते हैं ईंटों से और नॉर्मली कलर वगैरह करके। और तो भाइयों जो मेरे होस्ट है सीएस होस्ट वो आ चुके हैं मेरे को लेने के लिए। हेलो, व्हाट्स योर नेम? नोवा। नोवा, तो भाई ये हाउ किलोमीटर यू कम, हाउ मेनी? आई डोंट नो, आई एम नॉट काउंटिंग, बट इस 20 मिनट्स ड्राइव करके आए हैं। थैंक यू सो मच दैट यू कम वेरी फार फ्रॉम मी, फॉर मी एंड इन द लेट नाइट। भाई 3:30 बजे मतलब आए लेने के लिए, तो लेट्स गो। वेट सुराबाया सिटी जो है वो सोती नहीं है, मतलब 24 आवर्स चालू रहती है भाई। देख लो आप कि अभी 4 बज रहे हैं लेकिन वैसा का वैसा माहौल है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो भाई आराम से सोया, सुबह 5 बजे समथिंग सो गया था और अब उठा हूँ। अभी बज रहे हैं भाई करीब 11, आराम से सोए क्योंकि थका हुआ था पूरा, बस में नींद आई नहीं थी मुझे। और दूसरा अभी हम कर रहे हैं भाई हमारा ब्रेकफास्ट या लंच और ये हमारे होस्ट जिन्होंने इतना बढ़िया सा खाना बना दिया है भाई। ये देखो क्या क्या है खाने में, चावल है, फिर ये चिकन है, ये वेजिटेबल सायुर असम, ओके आई मीन ये इसमें मिक्स वेजिटेबल है और ये कॉर्न वगैरह है, फिर ये भाई टोफू इसको बोलते हैं, व्हाट इज दैट टोफू, ताहू और ये है भाई बॉइल्ड एग टेम्पे, इसको बोलते हैं टेम्पे नॉट के, विदाउट के टेम्पे। तो अभी करते हैं भाई लंच और फिर निकलेंगे हम घूमने के लिए, वी विल एक्सप्लोर टुडे ना। तो सुराबाया भाई बहुत बड़ी सिटी है, सो भाई अभी जा रहे हैं हम एक्सप्लोर करने के लिए। एंड ये है फादर ऑफ माय होस्ट। हेलो अंकल, How are you? Good? Yes. Good. Okay. Bye. तो
अंकल को इंग्लिश वगैरह बिल्कुल नहीं आती, पूरे घर में भाई किसी को इंग्लिश नहीं आती है। हेलो हाउ आर यू? मदर ना? या मॉम 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 या पापा खबर मॉम डोंट अंडरस्टैंड अबाउट हाउ आर यू। हां हां पापा खबर पापा खबर पापा खबर बाय बाय। वी गोइंग वी गोइंग टू एक्सप्लोर 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 द सिटी इंडिया। हेलो सलामत डटांग something something only some word I know about like terima kasih selamat datang and yeah I eat already eat yeah full hello baby bye siapa what is name name kiara wow so beautiful name kiara mau pulang bhai log bahut hi friendly hai yahan pe sach mein। So guys, welcome to Surabaya, and we are going to explore Surabaya some beautiful places. So guys, अभी हम आ गए हैं बीच पे। तो ये वाला है बीच सुराबाया। सुराबाया से थोड़ा दूर है, काफी आना पड़ता है भाई। तो बाइक लेके आ गए हम, और ये जो ब्रिज है भाई, ये ब्रिज है सुरामादु ब्रिज, और उसके पार एक आइलैंड वहाँ पर। तो बढ़िया है भाई, बीच के नज़ारे भी आप ले सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे शाम को बहुत अच्छा नज़ारा रहता है। अभी भी वैसे काफ़ी सारे कपल्स वगैरह फैमिली वगैरह बैठे हैं और खाना वगैरह खा रहे हैं, थोड़ा इन्जॉय ले रहे हैं, लेकिन शाम को इवनिंग में पब्लिक पूरी यहाँ पर आ जाती है, इन्जॉय करती है। तो इस बीच पे आप ज़रूर आ सकते हो सुराबाया अगर आए हो तो। तो भाइयों इस बीच को थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया, फोटो वोटो ले ली। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बीच? केंजेरान बीच। केंजेरान बीच, ओके। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, लेकिन इवनिंग में आना, और वहाँ पे भी ये पुल पार करके उस बीच पे भी जाओ तो बहुत बढ़िया लाइफ है वहाँ पे भी। चलो अभी चलते हैं हम दूसरी जगह पे, क्योंकि आज पूरे दिन हमको अच्छे से एक्सप्लोर करना है। सो गाइस अभी हम आए एक पार्क है, पार्क पे तमान सुरोबोयो पार्क का नाम है, और भाई बहुत अच्छा पार्क है। फैमिली वाले लोग वगैरह यहाँ पे आते हैं, काफ़ी सारे बच्चे पिकनिक एंजॉय करने के लिए। और दूसरी बात, सबसे बढ़िया बात यार, यहाँ का चौराहा मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेट्स आपको मैं चौराहा दिखाता हूँ। ये जो मॉन्यूमेंट इन्होंने बनाया है, क्रोकोडाइल है और डॉल्फिन है, और वाह कितना प्यारा लग रहा है भाई। देखो शार्क है और क्रोकोडाइल है, अमेजिंग भाई अमेजिंग, वाह बहुत ही बढ़िया लग रहा है सच में। फटाफट से मेरे को एक्सप्लोर करवा रहे हैं ताकि क्या है, एक दिन में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए पूरी सिटी को। कपाल सलाम, ये है एक म्यूज़ियम, तो इसके अंदर आप जा सकते हैं, और अच्छा खासा नज़ारा है। पास में बीच में से एक बिल्कुल नदी जैसा चल रहा है, आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो वहाँ पे आप जाके अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं रुक के। और अभी हम जा रहे हैं आगे, ये भाई है सिटी सेंटर। तो भाइयों यहाँ पे ये है एक सिटी, इसका नाम है आलून आलून। सो अंदर सिटी में जाकर बहुत अच्छा, व्हाट इज़ इन सिटी दैट Alun-alun? Alun-alun, Surabaya. It's a central. We can take a food, like a gallery inside.
and playground inside also. भाई बहुत डेवलप सिटी है, मतलब एक छोटी सी सिटी बना रखी है पर बहुत ही डेवलप है और अच्छा है यार सुराबाया सिटी, बढ़िया है भाई बढ़िया। तो गाइस ये अभी आप पार्क देख सकते हो, ये बम्बू से बना हुआ एक पार्क है, वो इसलिए क्योंकि ये हिस्ट्री को दर्शाता है। देखो पूरा पार्क जो है वो बम्बू ही बम्बू है इसमें। तो इसका रीज़न ये है कि जब वॉर हुआ था यहाँ पे तो ये जो बम्बू का बहुत बड़ा रोल था, बम्बू जो इनका मेन वेपन था हज़ारों साल पहले उस समय वॉर हुआ था, तो इसीलिए उसकी याद में ये बम्बू बनाया गया है। ये वेपन था यहाँ का जब वॉर हुआ था। चौराहे देख लो यार, यहाँ पे हर चौराहे में आपको एक अच्छे खासे स्टैचू मिलेंगे, एक फीलिंग मिलेगी, एक हिस्ट्री मिलेगी हर चौराहे पे। बाली में इतने प्यारे प्यारे चौराहे थे, मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं बाइक पे होता हूँ और चौराहे पे हमेशा भीड़ ज़्यादा होती है तो मैं उस समय शूट नहीं कर पाता हूँ, पर इतने प्यारे प्यारे हैं ना बाली में तो चौराहे पूछो मत आप। कृष्ण की मूर्ति, अर्जुन की और बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर हिंदू लोग रहते हैं ना तो वहाँ पे हिंदुज़म को बहुत दिखाया गया है, हर चौराहे पे एक हिस्ट्री है वहाँ पे, मज़ा आ जाएगा आपको चौराहे देख कर यहाँ पर। तो गाइस अभी हम आए हैं CFC, तो ये भी भाई KFC के जैसा ही है और यहाँ पे भी उसी तरह का फूड मिलता है, लाइक JFC हो गया तो ये है KFC और यहाँ पे भी वैसे ही प्रोडक्ट है सेम वैसे ही, फ्राइड चिकन में स्पेशली बर्गर वगैरह सब कुछ। तो भाई भूख लगी, खाते हैं कुछ खाना वाना, बैठते हैं थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो भाइयों थोड़ी देर रिलैक्स वगैरह कर लिए ठीक है, और अभी हम जा रहे हैं वापस घर के लिए और ड्राइव कर रहा हूँ भैया मैं। ओके आई एम ड्राइविंग। ओके यू बिलीव मी, आई ट्रस्ट यू, ट्रस्ट मी। ओके ट्रस्ट यू। ओके रेडी फॉर गोइंग, ही गोइंग नाउ, जस्ट बी केयरफुल। Okay, I trust you. I need to understand the bike. Okay. Yeah. Otherwise, Bali mein bhai khub gaadi chalayi hai na. तो गाइज अभी हम आए हैं मॉल में, ये है अल्फा मीडी, बहुत 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 ही बड़ा मॉल है भाई, शानदार है। तो यहाँ पे अल्फा मार्ट भी है, अल्फा मीडी भी है, के सर्कल भी है और दूसरा एक और इंडो मार्ट भी है। और अभी हमने भाई बहुत कुछ ले लिया है काफ़ी बच्चों के लिए और सबके फैमिली के लिए। तो भाई ये मेन चीज़ है जो मेरे को लेती, ये है सनस्क्रीन। तो 30 वैसे मेरे लिए सही है, मैं क्या है जोधपुर से लाना ही भूल गया सनस्क्रीन, और देख लो भाई इतने दिन में तो मेरा क्या हाल हो गया चेहरे का। तो मैं अभी ले लेते हैं, ये आया है भाई अपना 34,000 में, 34,000 मतलब हो गया कितना, हो गया करीब 200 रुपये समथिंग हो गया है, 200 से कम, 190 या 180 समथिंग, बट बहुत ज़रूरी है यार सनस्क्रीन, बहुत ज़रूरी है। भाई देखो यहाँ पर है ये बाइक, इलेक्ट्रिक है, दिस इज इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक। ओके लेट मी ट्राई। ओके थैंक यू परमाकाशी, जस्ट मेक व्लॉग, यू कैन मेक व्लॉग, या ओ माय गॉड, जस्ट लाइक ओ वाओ, यू ओ वाओ, शायद ग्रेसा बोले, ओ माय गॉड, बी केयरफुल विद दैट, वाओ अमेजिंग फीलिंग, दैट ऑटोमेटिक, राइट, अमेजिंग फीलिंग, इट्स ऑटोमेटिक, गाड़ी चला के मजा आ रहा है यार। यस वेरी नाइस, वेरी गुड यू मकाशी ओनली। सो भाई जो बाइक आपने देखी अभी वो बाइक मिलती है यहाँ पे किराए पे, तो और किराया सिर्फ 10,000, मतलब सिर्फ 50 रुपये के अंदर आप 30 मिनट उस बाइक के मज़े ले सकते हो इलेक्ट्रिक वाली के। तो बच्चे किराए पर ही लेकर आए हुए थे, मज़ा आया यार, अच्छी है, बढ़िया है, लोकल लोगों के साथ थोड़ा सा इंट्रैक्शन होता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। I will not dancing. Yeah. और देखो बढ़िया है। तो भाई अभी घर पे पहुंच चुके हैं और ये है इनके बड़े भाई, what's your name brother? हार्डी। हार्डी ओके, एंड ये पापा जी मोराजी, और ये भी इनके भाई है बाईती, एंड ये भाभी जी है नुसाइतिन। ओके ओके, तो भाई सबसे मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये यहाँ पे इन्होंने ऑफर किया है टी
This is hot tea, hot tea, yeah. Black tea, I think. Yeah, hot tea, black tea, but it's tastes really good. Very good. Normally we be Indian, we not drink black tea. No, we always drink milk tea. Milk tea. I mean susu tea. Susu tea. Susu tea. Yeah, milk tea. Yeah, and you know, you know what is the susu in India? Susu milk. Susu, here is milk. Okay, but in India we call susu means toilet. Really? Pee-pee. Really? Pee-pee. Ye sabke liye matlab that's new word. Yeah. Susu. So never asking about susu in with Indian people. Having tradition. No, they just laugh. Yes. To chalo bhai, bahut maza aa raha hai aur thank you so much Terima Kasih that you show me all around explore. तो भाई बहुत एक लोकल पर्सन होता है ना आपके साथ तो बहुत मदद मिलती है आपको अच्छे से घूमने में. तो चलो आई होप इस वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को. मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कीप ट्रैवल एंड कीप एंजॉय योर लाइफ. और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो @pankuvard एंड बाय. से बाय 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 बाय. देखो भाई सब लोग बाय बाय बोल रहे हैं. बाय. एक्चुअली अभी हम जा रहे हैं एक दूसरी जगह पे कि वो ठंडी जगह है पर वहाँ देख सकते हैं आप वो है पहाड़ियाँ. भाइयों ये जो एक बाउल देख रहे हो आप इसका प्राइस है 20 मतलब 100 रुपए में इतने सारे केकड़े मिल जाएंगे. और ये देखो भाई बच्चों के लिए जो इंतजाम कर रखे हैं बढ़िया से बढ़िया एकदम.